एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MSA टॉक्स पर। तो झारखंड में नियुक्ति और नियोजन को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं JSSC की तरफ से होने वाली नियुक्ति के बारे में। तो जिस तरह से झारखंड सरकार ने 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया हुआ है, क्या आखिर 2021 के आखिर तक वैकेंसी आने की उम्मीद है? जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि JSSC की तरफ से बहुत सारी नियमावली बन भी चुकी है और हरी झंडी भी दिखा दी गई है, लेकिन अभी तक जो वैकेंसी आने की उम्मीद था वो वैकेंसी नहीं आया है। तो क्या 2021 के लास्ट तक वैकेंसी आएगा? तो वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा कि 2021 में वैकेंसी आने की उम्मीद है या फिर नहीं। तो JSSC की तरफ से जो नोटिस है उसी के ऊपर आप लोगों के साथ बात साझा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको हम हर अपडेट यूट्यूब पर नहीं दे पाते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे आपको हर समय पल पल के अपडेट मिलता रहता है। तो वहाँ उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और चलिए अब वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिए, कुछ दिन पहले भी आप लोगों को ये अपडेट कर दिए थे, लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि आखिर 2021 में वैकेंसी आने की उम्मीद है या फिर नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति है ये JSSC के हाल में ही नोटिस आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षाओं के संचालन हेतु एजेंसियों को सूचीबद्ध किया जाना है। इस हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति का दस्तावेज आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.nic.in पर दिनांक 16/11/2021 से दिनांक 15/12/2021 के अपराह्न 5 बजे तक उपलब्ध है। तो इसमें जो नोटिस आया हुआ था ये एजेंसी को सूचीबद्ध करने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, और इसमें जो डेट है वो देखिए यहाँ पे 16/11/2021 से दिनांक 15/12/2021, यानी झारखंड में जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं, खास करके JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, उनके लिए जो ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम होगा, साथ ही एडमिट कार्ड से लेकर OMR सीट से लेकर किस तरह से अप्लाई करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर एजेंसी को सूचीबद्ध करने के लिए ये डेट है। और इसके लिए लास्ट डेट जो है वो 15/12/2021, यानी इस बीच 16/11/2021 से लेकर 15/12/2021 के बीच ये जो आपका टाइम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं के संचालन हेतु एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा, यानी उनका नाम नॉमिनेशन किया जाएगा और फिर इनकी नियुक्ति होने के बाद ही झारखंड में वैकेंसी आएगा। अब बात करते हैं कि 2021 के लास्ट में वैकेंसी आएगा कि नहीं। 2021 के लास्ट में वैकेंसी आएगा या नहीं उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए कि इस तरह से जो नोटिस दिया हुआ है, इसमें इन सभी एग्ज़ाम जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी प्लस टू लेवल एग्जामिनेशन, कॉम्बाइंड डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन, कॉम्बाइंड मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन, रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर कॉन्स्टेबल्स सब इंस्पेक्टर्स एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स इन झारखंड पुलिस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, और लास्ट में आपका देखिए रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एट्सेट्रा। यानी इसमें जो एजेंसी की मांग की गई है वो इन सभी एग्जाम को लेने के लिए उनका ऑनलाइन ऑफलाइन से लेकर OMR सीट से लेकर एडमिट कार्ड तक जितनी सारी काम है वो उसके लिए ही एजेंसी की मांग की गई है। और ये जो एग्ज़ाम है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 के 6, इन 6 एग्जाम के तहत ही आपका पुलिस से लेकर आपका उत्पाद सिपाही दरोगा अमीन से लेकर सब इंस्पेक्टर के साथ टीचर्स की जो नियुक्ति है इन सभी के अंतर्गत आपका होगा, जो कि ग्रेजुएट लेवल से लेकर मैट्रिक लेवल से लेकर हायर सेकेंडरी तक के अंतर्गत आता है। अब चलिए बात करते हैं वैकेंसी 2021 के लास्ट तक आएगा या फिर नहीं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो जिस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 16/11/2021 यानी 16 नवंबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2021 के अपराह्न 5 बजे तक एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करने के लिए ये नोटिस दिया हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि जब तक एजेंसियां का चयन नहीं होगा तब तक
ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम होना मुश्किल है। यानी JSSC की तरफ से सूचना से साफ पता चल रहा है कि 15 दिसंबर तक वैकेंसी आने का चांस बहुत कम है। और दूसरी बात, बाकी जो 15 दिन बच रहा है यानी 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच, आप लोग बता दें 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के जो बचेगा उसमें ये जो एजेंसियां आवेदन करेंगे अप्लाई करेंगे उनको फिर से चयन के लिए बुलाया जाएगा। यानी उनका चयन उस बीच हो सकता है। यानी 2021 में मेरे ख्याल से वैकेंसी आने की उम्मीद बहुत कम है। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा इस पर कि 2021 में वैकेंसी आने की उम्मीद है या फिर नहीं। तो चलिए, इसी तरह से हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा।